ऑफ द जयपुर, उन्हीं के नाम से शहर का नाम रखा गया जय सिंह जयपुर। करीबन 300 साल पुराना शहर। जैसे शहर बसाया सबसे पहला अपना रहने का घर, जहाँ पर ये दो झंडे दिख रहे हैं आपको, ये राजस्थान की पहली 7 स्टोरी बिल्डिंग है, क्योंकि 300 साल पहले 7 स्टोरी नहीं बन रही है ना। तो नीचे के 3 फ्लोर रिजर्व हैं रॉयल फैमिली के लिए, जिस जहाँ पे वो रहते हैं, और 4 स्टोरी इन्होंने ओपन कर रखी है विजिटर्स के लिए, जहाँ जाना अलाउ नहीं होता है, और जहाँ उस 4 स्टोरी ओपन करके विजिटर्स के लिए, अगर आप चाहें तो इसको भी घूम सकते हैं। पर पर्सन टिकट 3,000 रुपये। यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये 2 झंडे भी लगे हुए हैं, है ना। ये इंडियन फ्लैग नहीं है, ये जयपुर रॉयल फैमिली के अपने फ्लैग हैं। 16th सेंचुरी के किंग थे आमिर के महाराजा मान सिंह फर्स्ट, अकबर के सेनापति, अफगानिस्तान के 5 प्रांतों को हरा के आए, और सभी प्रांतों के झंडे लेके आए, सब झंडों में से एक एक कलर लेके ये जयपुर रॉयल फैमिली का फ्लैग बनाया, लाइक सिंबल ऑफ द विक्ट्री। अब देखिए छोटा सा झंडा ऊपर और लगा हुआ है, उसको सवाया झंडा बोलते हैं। सवाया झंडा का मतलब ये होता है, वो 2 चीज़ों को इंडिकेट करता है, फर्स्ट प्रेजेंटेंसी ऑफ किंग, जब किंग जयपुर के अंदर होते हैं तो झंडा लगा हुआ होता है, आउट ऑफ जयपुर चले जाते हैं तो झंडा हटा दिया जाता है, क्योंकि पहले के ज़माने में सोशल मीडिया नहीं होता था कि लोग कैसे पता लगाएं कि महाराजा है या नहीं है, तो झंडे को देख के पता लगा लिया जाता था। तो जैसे आज भी महाराजा जैसे जयपुर के अंदर है तो ये झंडा लगा हुआ है, और अभी की जो किंग है अडॉप्टेड है, अडॉप्टेड यानी गोद लिए हुए। लास्ट महाराजा को एक ही बेटी है जिनका नाम है दिया कुमारी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पैलेस की डायरेक्टर भी है। तो उनके बड़े बेटे को सन 2002 में अडॉप्ट करके उनको महाराजा बना दिया गया, जिनका नाम है सवाई पद्मनाथ सिंह ऑफ जयपुर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया सवाया झंडा बोलते हैं, तो हर महाराजा के नाम के आगे सवाई लगा, जैसे अभी आपको मैं नाम क्या बताया सवाई पद्मनाभ सिंह, तो हर महाराजा के नाम के आगे सवाई टाइटल भी लगा हुआ है। तो ये सवाई का मतलब क्या होता है, जब जयसिंह सेकंड ने जयपुर बसाया था सेम टाइम उन्होंने 5 जंतर मंतर ही बनाया। ये इंडिया का सबसे बड़ा जंतर मंत्र है जो वर्ल्ड गिनीज को साइट में है। ठीक है, तो जयसिंह सेकंड एस्ट्रोलॉजर भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, और 17 इंटरनेशनल लैंग्वेज आती जब वो 15 ईयर्स एज के थे, बहुत शार्प माइंडेड थे। फिर ये टाइटल उनकी बुद्धि से इम्प्रेस होकर औरंगजेब ने दिया था, जब औरंगजेब इकबाल से मिले तो उनकी बुद्धि से बहुत इम्प्रेस हुए, तब उन्होंने उनको बोला आप तो सवाया हैं। सवाया का मतलब होता है 1+4 टाइम सुपीरियर, जैसे अपन कहते हैं ना शेर का सवा से, वो सवाया टाइटल उनको दिया। उसके बाद जयपुर के हर किंग ने सवाई टाइटल को अडॉप्ट किया, अपने नाम के आगे सवाई लगाया। और ये थे जयपुर के 10वें नंबर के महाराजा जिनका नाम था मान सिंह सेकंड। इन्होंने 1959 में इस पैलेस के 70% पार्ट को म्यूजियम में किया था, तो इन्हीं के नाम से म्यूजियम का नाम रखा गया महाराजा मानसिंह सेकंड म्यूजियम ट्रस्ट। तो अपन में 6 गेयर भी देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले अपन विजिट करेंगे ये वाला महल जिसका नाम है मुबारक महल। मुबारक ये रॉयल फैमिली का रॉयल गेस्ट हाउस हुआ करता था, मुबारक है उर्दू वर्ड से वेलकम हाउस, वेलकम हाउस हुआ करता था। जैसे पहले रॉयल फैमिली जितने भी गेस्ट आते थे उनका वेलकम यहाँ होता था, फिर बाद में उनको मिलने के लिए महाराजा से महल में लेके जाने। ताजमहल देखा जी, ताजमहल 16th सेंचुरी की पहली बिल्डिंग में चारों तरफ से एक जैसी दिखती है, ये 20th सेंचुरी की चारों तरफ से एक जैसी दिखने वाली दूसरी बिल्डिंग, कहीं से भी देखना इस बिल्डिंग को चारों तरफ एक जैसी। अब मैंने आपको बताया गेस्ट, गेस्ट किसी भी रिलीजन का आ सकता है, तो इसमें 3 रिलीजन का आर्किटेक्ट है। इसमें देखना आप हिंदू आर्किटेक्ट, ये देख रहे हैं मंदिर का डिज़ाइन बना हुआ है, बीच वाला देखो लीफ एंड फ्लावर मस्जिद का डिज़ाइन बना हुआ है, और सबसे टॉप पे क्रिश्चियन आर्किटेक्ट है, जो सर चर्च जाते हैं तो क्रॉस लगा हुआ था, क्रिश्चियन आर्किटेक्ट। तो 1959 की पैलेस रॉयल गेस्ट हाउस हुआ करता था, फिर ये कन्वर्ट हुआ म्यूजियम के अंदर, यहाँ जो राजा महाराजा के कपड़े रखे जो अपन अंदर चल के देखेंगे, है ना। तो ये दोनों हाथी सिंगल पीस ऑफ मार्बल के बने हुए, कोई जॉइंट नहीं है इनके अंदर, वन ऑफ पीस मार्बल। तो ये माता का मेन एंट्रेंस गेट है, जैसे एंट्री करते हैं दो लेडीज़ खड़ी होकर उनके ऊपर फूलों की प्रसाद करती है। यहाँ लेना चाहो तो आपको फोटो ले लो, अगर